खादी ग्राम उद्योग को एक बड़े उद्योग के तौर पर विकसित करने की जरूरत है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम स्वदेशी को घर की मुर्गी दाल बराबर समझने से ऊपर उठ सके। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द एक्सप्लोर ज़िला। खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं किया है। इस राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेले में झारखंड की संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में झारखंड की संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा और खान पान के साथ वाद्य यंत्र भी देखने और खरीदने को मिल जाएंगे। इस मेले में खादी को बढ़ावा देने का संदेश सबसे प्रबल दिखता है। एक लंबे समय के बाद फिर से सरस महोत्सव मोराबादी में आयोजित किया गया। कोरोना महामारी की वजह से 3 साल तक यह महोत्सव आयोजित नहीं हो सका। कई सारे उत्सव महोत्सव इन 3 सालों में बाधित रहे हैं। अब जब जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रही है, तभी चीजें भी सामान्य हो रही है। लगभग 12 दिन तक मेले का आयोजन होगा। इस उत्सव को मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि महात्मा गांधी के विचार के साथ साथ खादी ग्राम उद्योग को देश और राज्य में कैसे उसको बढ़ावा मिले, इसके लिए काम करना है। मोराबादी में आयोजित राष्ट्रीय खादी महोत्सव कार्यक्रम 8 जनवरी तक चलेगा। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022-23 की शुरुआत भूमि पूजन के साथ हुई। यह मेला 28 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक चलेगा। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के CIO रखाल चंद्र बैसरा ने बताया कि कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों के बाद मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022-23 में देश भर के बुनकर, कारीगर, हस्तशिल्पकर, खादी और सरस से जुड़ी दीदियों का समूह हिस्सा लेगा। इस बार महोत्सव में जो हैंगर बनाए जाएंगे वो झारखंड के महत्वपूर्ण पर्व और स्थानीय नृत्य के नाम पर रखे जाएंगे। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें झारखंड के स्थानीय कलाकारों के साथ साथ देश भर के कलाकार शामिल होंगे। मेले में देश के अलग अलग राज्यों के खादी और सरस के विभिन्न उत्पादों और कलाकृतियों को देखने और खरीदने का मौका मिलेगा। वहीं मेला परिसर में झूले और फूड स्टॉल भी रहेंगे, जहां लोग मेला देखने के साथ साथ विभिन्न राज्यों के फूड आइटम्स का आनंद लेंगे।